हाय, सो वी आर रीडिंग दिस लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। दिस इज़ पार्ट थ्री। इससे पहले हमने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर स्टार्ट किया है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा व्हाई डीफॉरेस्टेशन लैंड को इम्प्रूव करना था। डीफॉरेस्टेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आए, देन प्लांटेशन आया, प्लांटेशन के बाद कमर्शियल फॉरेस्ट्री पार्ट टू हमने वीडियो नंबर टू में देखा। फॉरेस्ट का नेचर ही चेंज होने लग गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिया इन्होंने, और जो इनके नए फॉरेस्ट रूल आए इससे प्लांटेशन और एंड ऑल में हंटिंग एवरीथिंग नेचर ऑफ एंटायर इको सिस्टम स्टार्टेड चेंजिंग। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें हम देखते हैं रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। तो हमने इसका बैकड्रॉप समझा ना, रेबेलियन क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इनसे इनके सारे लाइवलीहुड ऑप्शन छीन लिए गए, तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है अपार्ट फ्रॉम दिस रेबेल। रेबेल मतलब विद्रोह बन गया है ये। सो इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया द एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बींग इम्पोज ऑन देम। उन्होंने रेबेल करना स्टार्ट कर दिया था। द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, सिद्धू एंड कानू, ये संथल परगना में थे, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में थे, अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में थे। इनको रिमेंबर आज भी किया जाता है इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन द किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। सी दिस इज़ द ब्यूटी, अगर आप बैकग्राउंड से पूरा देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है ये पर्सन ऐसा है तो वो क्यों है, ये रिबेल हुआ तो वो क्यों हुआ। सो दैट इज़ वाई ये सिस्टमेटिक लर्निंग का अप्रोच होता है, इससे काफ़ी होलिस्टिक लर्निंग होती है। अभी इसमें हम देखेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये सिद्धू है, कानू है, ये संथल परगना में रिबेल हुआ था, हम इसके नोट्स पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं, अच्छा ये ऐसा हुआ था, और उसको मेमोराइज कर लेते हैं। बट अगर आप सिस्टमेटिकली इस तरह ग्रो करोगे, यू वुड नाउ अंडरस्टैंड कि ये रिबेल हुआ था तो वो क्यों हुआ था, वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट, इनके ऊपर क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किस लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, सोशल कंडीशंस क्या थे। अब ये बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर, अलूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश, ये सब हम इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ते हैं इन रिवोल्ट को। नाउ वील अंडरस्टैंड कि ये क्यों इनको मजबूर किया गया रिबेल करने के लिए। द पीपल ऑफ बस्तर, पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर का फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। बस्तर इज़ लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में है, ये बॉर्डर्स ऑफ आंध्रा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। सेंट्रल पार्ट जो बस्तर का है वो एक प्लेटू है, प्लेटू मतलब ये ऊपर अपलैंड है और फिर ऊपर से ऐसे फ्लैट है, सो दैट इज इट इज़ अ प्लेटू। नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू में है छत्तीसगढ़ प्लेन और साउथ में ये गोदावरी रिवर का गोदावरी प्लेन आ जाता है। रिवर इंद्रावती यहाँ से पास हो रही है बस्तर में, ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ईस्ट दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बस्तर में रहती है, नोट डाउन दीज, मारिया, मुरियागौन, धुवरा, धुरवा, भतराज एंड हलबा, ये सारी बस्तर में रहती है। ये अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती है बट शेयर करती है कॉमन कस्टम और बिलीफ को। पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। काफ़ी सिंपल लोग हैं, ये मानते हैं कि जो भी इन्हें फॉरेस्ट ने गिफ्ट दिया है तो इन रिटर्न इनकी भी ड्यूटी बनती है, तो ये कुछ ऑफरिंग देते हैं एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में। सो दे हैव दिस सेंस ऑफ दिस कि हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी कुछ करना है, दे हैव दिस सेंस ऑफ फीलिंग। तो ये एक आर्मी कैंप जिसे बस्तर में 1910 का है, आर्मी कैंप इन 1910, आर्मी मूव विद टेंट्स, कुक्स एंड सोल्जर्स, सिपॉयज गार्डिंग द कैंप अगेंस्ट रेबल। ये बस्तर 2000 में 1947 बस्तर किंगडम वॉज मर्ज्ड विद दिस कांकेर किंगडम और बिकम बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। 1998 में ये डिवाइड हुई तीन डिस्ट्रिक्ट में, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये उसका हिस्ट्री बताया है यहाँ पे। 2001 में ये छत्तीसगढ़ बना, 1910 में रिबेलियन फर्स्ट स्टार्टेड इन दिस कांगेर फॉरेस्ट एरिया जो एनसर्कल्ड है, दिस इज कांगेर, दिस इज कांगेर, ये कांगेर एरिया है, ऊपर ये बस्तर है, ये जगदलपुर है, ये दंतेवाड़ा है, देन दिस इज इंद्रावती, बीजापुर, दिस इज कोंटा, ओके, सो दिस इज द एरिया एंड सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। इस तरीके से ये धीरे धीरे अलग 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 जगह यहाँ पे ये मूव हो गई। यहाँ पे कोंडा गाँव है, ये नरहरपुर, ये रायपुर ऊपर आ जाता है, ये नारायणपुर है, दिस इज भानु प्रतापपुर, देन दिस इज राजनांदगांव, ओके, सो दिस इज बस्तर। अब इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर एंड दिस फॉरेस्ट एंड द माउंटेन, तो ये ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। सिंस सी
ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्री लाइज, लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री. ये पूरा ख्याल रख रहे हैं. इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वॉन्ट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड दिस देवसरी, दांड और मान इन एक्सचेंज. सम विलेज इज ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाय एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम. एवरी ईयर देर इज वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज इन अ परगना मीट एंड डिस्कस इशूज ऑफ दिस कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट. सो सी दे वर लिविंग इन अ वेरी पीसफुल वे, इन अ वेरी पीसफुल वे, सस्टेनेबल वे में ये फॉरेस्ट को अपना मान के उसके साथ रह रहे हैं, अच्छे से पीसफुली रह रहे हैं. अब क्या होगा, फियर्स ऑफ द पीपल होगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे, और टू थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया उसे 1905 में. शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्टॉप कर दिया, हंटिंग कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्टॉप कर दिया. पीपल ऑफ बस्तर अब काफ़ी परेशान हो गए. सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन कि दे वर्कड फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्री एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. तो सी इनका ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा था कि फॉरेस्ट अगर इनके स्लीपर्स के लिए आ रहा है देन इट इज़ ओके, बट अगर जो वहाँ के विलेजर्स हैं वो अपना डेली नीड्स एंड एवरीथिंग के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड. सब्सिक्वेंटली दे केम टू बी नोन एज दिस फॉरेस्ट विलेजेस. पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन. बहुत टाइम तक विलेज सफ़र करते रहे, उनका इंक्रीज़ हो गया लैंड रेंट, फ्रिक्वेंट डिमांड हुई, फ्री लेबर उनसे मांगा गया, गुड्स मांगे गए कॉलोनियल ऑफिशियल्स के. देन केम दिस टेरेबल फेमाइन, टेरेबल फेमाइन ऑफ 1919-1900. फिर 1907-8 में भी रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ. तो इनको लगा अब मतलब बहुत हो गया. पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इशूज इन देयर विलेज काउंसिल्स और बाजार में, फेस्टिवल में, जहाँ भी हेडमैन और प्रीस्ट मिलते थे सेवरल विलेजेस असेंबल हो जाते थे. इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय दिस धुरवा ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट, रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस. इसके बाद क्या हुआ, ऑल दो देर वॉज नो सिंगल लीडर मैनी पीपल स्पीक ऑफ दिस गुंडा धुर फ्रॉम विलेज नेतनार एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट. 1910 में मैंगो बॉब, अ लंप ऑफ अर्थ, चिली एंड एरो बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस. तो अगेन ये क्या है, इनके सिम्बॉलिक, ये अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं. जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा था सिम्बल्स यूज किए थे उन्होंने, बिकॉज एवरीबडी कुड नॉट रीड एंड राइट, तो सिम्बल के थ्रू ये मैसेजेस भेजते थे. आप जब 1857 का रिवोल्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे उन्होंने रोटी से और ऐसे अलग अलग सिम्बल्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफर किया था, कम्युनिकेशन किया था. सो देर वर एक्चुअली मैसेजेस इन्वाइटिंग विलेजेस टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. हर विलेज ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया टू रिबेल को. बाजार लूटे गए, हाउसेज ऑफ ऑफिशियल, ट्रेडर्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन सब जला दिए गए, रॉब किया गया, ग्रेन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद दिस कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉ. विलियम वार्ड जो थे ये एक मिशनरी थे हु ऑब्जर्व द इवेंट. इन्होंने लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इन टू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स, फॉरेस्ट प्यून, स्कूल मेस एंड इमिग्रेंट, सब ने मिलकर यहाँ पर अटैक किया. This is Bhondia collected 400 men, sacrificed a number of goats and started off to intercept the Diwan who was expected to return from the direction of Bijapur. Mob 10 फरवरी को start हुई, मरेगना village में गए, मरेंगा village, पुलिस line पे गए कैसलूर. This is explaining कि how उन्होंने ये revolt पूरा conduct किया. द होल आइडिया वॉज कि ये लोगों पे बहुत ऑपरेशन हुआ था तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इनसे इनका लाइवलीहुड छिन गया, फॉरेस्ट छिन गए, इनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गई, इकोनॉमी इनकी डिस्टर्ब हो गई और ये आ गया फेमाइन. फेमाइन एक्सटेंड हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं था तो ये मजबूर होकर इन लोगों ने फिर ये रिबेल स्टार्ट कर दिया. द फियर्स ऑफ द पीपल. अब दिस इज सोर्स एफ, ये भी एक अगेन अकाउंट दे रहे हैं कि ब्रिटिश केम इन स्टार्टेड टेकिंग लैंड, राजा डिडेंट पे अटेंशन, थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम. सो सीइंग दैट लैंड वॉज बींग टेकन, सपोर्टर्स गैदर्ड मोर पीपल, स्टॉन्च सपोर्टर थे डाइड एंड रेस्ट वर व्हिप्ड. सो दिस इज अगेन अ सैड प्लाइट स्टोरी बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा स्मार्ट थे, ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने ये जितने भी फॉरेस्ट ऐसे रिबेल हुए थे, हम इसको 57 के पहले भी आप देखेंगे, इस सब को इन्होंने ब्रूटली क्रश किया था. ये जितने भी नाम शुरू में हमने देखे थे ना रिबेल वाले, इन सबको बहुत ब्रूटली किल कर दिया गया था इन ब्रिटिशर्स के द्वारा. सो द ब्रिटिशर्स सेंट ट्रूप टू सप्रेस द रिबेलियन, सप्रेस किया गया. आदिवासी लीडर ट्राई टू नेगोशिएट बट ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप और उन पर गोलियां चला दी. आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन रिबेलियन. तो बहुत ब्रूटली सप्रेशन हुआ था यहाँ पे. मोस्ट विलेजेस वर डेजर्टेड, पीपल फ्लेड इन टू द जंगल.
3 months लगे ब्रिटिश को टू रिगेन कंट्रोल. हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर दिस गुंडा धुर. सो इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल वर्क ऑन द रिजर्वेशन वॉज टेम्पररली suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. But again, these many people lost their lives. Why? Because they were losing their livelihood. The story of the forest and the people of Bastar does not end here. इंडिपेंडेंस के बाद सम प्रैक्टिसेस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड. मतलब जिनका फॉरेस्ट है वो कुछ नहीं कर सकते हैं बट इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो फॉरेस्ट अलाउड होगा. 70 में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया 4600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री. अब पेपर के लिए इन्हें पल्प चाहिए तो ये जो साल का फॉरेस्ट है इसको रिप्लेस कर दो और पाइन फॉरेस्ट वहाँ पे लगा दो. इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड. सो लेट अस नो नाउ गो टू द अनदर पार्ट ऑफ एशिया इंडोनेशिया एंड सी वॉट वॉज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड बिकॉज कॉलोनियलिज्म वॉज एवरीवेयर. इंडिया में एशिया में हम देखें ना तो हर जगह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेचुरल फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग का लॉसेज हुआ है. जितना अवेयरनेस आज है इतना उस टाइम पे नहीं होता था. आपने देखा कितने 400 टाइगर्स को एक सिंगल पर्सन ने किल कर दिया था. वाई? बिकॉज दिस उनको ऐसा लगता था ये बहुत बड़ा वाला बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो. नो दिस इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी. दिस इज़ नॉट ब्रेवरी. सो दिस इज वॉट वी रेड इन दिस चैप्टर. हमने पढ़ा अभी द फियर ऑफ द पीपल. ट्राइबल रिबेलियन क्यों हुए कैसे हुए और इनको कितना ब्रूटली सप्रेस किया गया. ये द पीपल ऑफ बस्तर था एंड दिस वॉज द रिबेलियन इन द फॉरेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट सेक्शन विल रीड अबाउट दिस फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा.